मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित आश यादव। BTC आपका 28,200 पर अभी मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और आपका इथेरियम 1540 से लेकर 1550 के बीच में है। BNB आपका $208 पर है, यानी कि मार्केट वही साइड पे मूवमेंट। कल भी यही पोजिशन थी, कल शाम को भी यही पोजिशन थी, और सुबह भी यही पोजिशन है। कुल मिला के अगर बात देखी जाए तो देखिए, अभी मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने के चांस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आप ने मैंने कल शाम को जो एक अपडेट दिया कि देखिए, बहुत सारा BTC जो है धीरे धीरे एक्सचेंज पर आ रहा है। आज भी आया है मॉर्निंग के टाइम पर, मैंने शाम को भी आपको दो ट्रांजेक्शन बताए थे, और भी ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो कि धीरे धीरे BTC कहीं ना कहीं एक्सचेंजों पर आ रहा है। तो ये क्या है, जब एक्सचेंज पर माल आता है तो देखिए कहीं ना कहीं फिर वो सेल होने की तरफ ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो वही पोजीशन अभी भी चल रही है। देखिए मार्केट कैप भी जो आपका 1.09 ट्रिलियन तक पहुंचा था, वो अब जो है 1.01 ट्रिलियन पर पहुंच गया, यानी कि धीरे धीरे वही देखिए सेल आउट हो रहा है। देखिए ये जो अभी बीच में हुआ एक ग्लिच, या कहें या ये कहें कि भाई कॉइन टेलीग्राफ की गलती, उसकी वजह से तो देखिए अभी प्राइस जो अब यहाँ से धीरे धीरे अब नीचे आना शुरू हो गया। देखिए कोई भी, मैं आपको टॉप 50 दिखा रहा हूँ, किसी में भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो है प्राइस कहीं भी कोई अप ट्रेंड जैसा कुछ हाल है। सबका वही डाउन ट्रेंड है, क्योंकि BTC डाउन ट्रेंड में है तो वो भी डाउन ट्रेंड में। लेकिन रात एक मैंने आपको अपडेट दिया लगभग 12:30 बजे के आसपास फैंटम के बारे में, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक वाला था। चलिए थोड़ा सा फैंटम का प्राइस देखते हो, एक्चुअली उसमें हुआ क्या था वो भी आपको बताएंगे। देखिए फैंटम का मैंने अभी पेज खोला है आपका कॉइन मार्केट कैप पर ही है। देखिए आपका अभी 24 आवर में अप्रॉक्स 2% के आसपास इसका प्राइस गिरा। न्यूज़ निकली कि फैंटम हैक हो गया है, और देखिए कोई फेक न्यूज़ नहीं थी, ये बाकायदा फैंटम के ट्विटर हैंडल पर, जो उनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, वहाँ से ही निकली, और इस चीज़ को मैंने अपडेट भी किया। तो देख रहे हैं आप, फैंटम का प्राइस जो है नीचे आया भी है। तो ये देखिए फैंटम कोई हल्का आया छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, फैंटम बहुत मजबूत और बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पैनिक क्रिएट होगा ही होगा। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और रात ग्लिच चल रहा था, वो मैंने देखिए ट्विटर पर जान के शेयर नहीं किया था, कि कई बार ये हो जाता है कि लोग फोम में आ जाते हैं। उसका XRP का प्राइस 8,000-9,000 डॉलर तक भी चला गया, ये भी एक ग्लिच था। लेकिन मैं आपको, चलो वीडियो में इसको जरूर कवर करूंगा, अभी आपको बाकायदा स्क्रीन दिखाऊंगा। देखिए फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन क्या था, ये ग्लिच था। उसका प्राइस जो है अभी भी आपका नॉर्मल XRP का जो है वही है। देखिए अभी भी आपका 0.48 डॉलर के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो यही प्राइस चल रहा है, वो ग्लिच था। लेकिन क्या है कि कई बार मार्केट में जब ये चीज़ें आती हैं इस तरीके की, तो देखिए फोमो पैदा हो ही जाता है थोड़ा सा, ये ऊपर जाता है कि क्या बात है, प्राइस इतना चला गया है, क्या वाकई में ऐसा हुआ है। चलिए अब आपको मैं फैंटम का दिखाता हूँ। पहले देखिए वो फैंटम का जो इन्होंने रात जारी किया था, आप देखें, वी आर अवेयर ऑफ रिपोर्ट इंडिकेटिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ फैंटम वॉलेट वर कंप्रोमाइज अर्लियर टुडे एट दिस जंक्चर We can confirm the wallet is question were affected including approximately $550K in Phantom Foundation funds। तो अब यहाँ एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि कितना 550K, ये एक तरह से कंप्रोमाइज हुआ, यानी कि हैक हुआ आप ये कह सकते हैं। लेकिन इनका ये भी कहना था कि 99% जो यूजर का फंड है वो सेफ है, केवल जो इनका फंड खुद का जो था फाउंडेशन का, उसी में ये हैक हुआ है। देखिए साहब, चाहे फाउंडेशन का हैक हो चाहे यूजर का हैक हो, हैक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी जो है टाइट नहीं है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आपकी जो है लूज है, कि आप जो है फंड को सेफ नहीं रख पा रहे। आज आपका फंड मान लीजिए हैक हुआ है, कल हो सकता है किसी और का फंड भी हैक हो सकता है। तो ये फैंटम की कहीं ना कहीं ये कमजोरी है जो सामने आ गई निकल के। देखिए इनका हॉट वॉलेट अगर इस तरीके से कंप्रोमाइज होगा, हैक होगा, तो देखिए यूजर का फंड भी कभी भी हैक हो सकता है। इसकी वजह से आपने देखा थोड़ा सा इनका 2% के आसपास प्राइस अभी डाउन है, लेकिन ये रात की न्यूज़ थी। मे बी अभी जैसे दिन में न्यूज स्प्रेड होगी तो हो सकता है कि प्राइस इसका थोड़ा बहुत और नीचे डाउन जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई डैमेज कंट्रोल हो भी जाता है तो शायद थोड़ा बहुत मे बी कि आपको थोड़ा सा कुछ हो सकता है साइड में मूवमेंट या
हो सकता है थोड़ा बहुत अप ट्रेंड की जैसी कुछ चीज़ें दिखाई दे जाए इसमें, लेकिन फिलहाल तो जो न्यूज़ चल रही है वो इसमें अच्छी नहीं चल रही है। अब दिखाता हूँ, देखिए XRP का, ये XRP में हैं, आप देख रहे होंगे, ये देखिए 9864 तक का जो है, देखिए लाइव बाकायदा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्लिच था उस टाइम पे और ये चल रहा था। तो ये XRP के प्राइस में देखिए कई बार ऐसा होता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि ये XRP का कई बार ऐसा ग्लिच हो चुका है। तो यहाँ देखिए फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये ज़्यादा XRP के बारे में ज़्यादा हिसाब लगाने की ज़रूरत है कि शायद यहाँ से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है ऊपर जाए। लेकिन देखिए वो एक अलग बात है कि XRP में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल ही रहा है, उसके जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखिए कहीं ना कहीं यूजर के फेवर के हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए या बैंक्स वगैरह उसको जो है अपना ही रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ग्लिच था, और एक्सचेंजों पर अक्सर ऐसा होता रहता है। तो आप इसको जो है केवल एक ग्लिच ही मान के चलें, XRP का प्राइस नॉर्मली वही अपना $0.48 के आसपास ही चल रहा है अभी। BTC देखिए धीरे धीरे एक्सचेंजों पर आ रहा है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लगभग 2785 BTC कॉइन बेस एक्सचेंज पर आया है। रात मैंने आपको बताया था बाइनेंस पर कुछ ट्रांजेक्शन्स आए थे, जो रात को जो मैंने वीडियो दिया आप उसको देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ मैंने आपको कंफर्म की थी। और यहाँ पर देखिए सुबह मॉर्निंग के टाइम पर भी ये कुछ BTC जो है कॉइन बेस पर आया है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए सेल होने के लिए आया है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ होल्ड करने के लिए आए, तो होल्ड करना होता तो वॉलेट में रखते, अब एक्सचेंज पर आया है तो कुछ ना कुछ सेल ही होगा। देखिए ट्विटर पर जो है, मैं रात को ही देखी, ये देखिए 7 घंटे पहले मैंने फैंडम का प्राइस भी शेयर किया था कि क्या चल रहा है, वहाँ से जो डाउनफॉल ये आ रहा था, क्योंकि ये न्यूज देखिए जो निकली थी फैंडम के हैक वाली, ये मैंने देखिए यार वही रात को करीब 12:30 के आसपास शेयर आपके साथ की थी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हो जाता है कई बार, जो चीज़ें चलती हैं वो वीडियो में कवर करते करते ही हो पाएंगी, लेकिन यहाँ अपडेट आपको इमीडिएट मिलता है। यहाँ बाइनेंस का था ये कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फ्रांस, उन्होंने भी एक तरह से अपना बाइनेंस इस्तीफा दे दिया है, यानी कि बाइनेंस से बहुत से टॉप मोस्ट अधिकारी देखिए कई पहले निकल चुके हैं और अभी भी देखिए निकल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस के साथ ये छोटी मोटी एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है कि वो जो है उसके अधिकारी कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं, वजह सीजेड बाइनेंस क्लियर नहीं करता, वो बस चार उंगलियां दिखा के बस कहानी को ख़त्म कर देता है। यहाँ STG के बारे में आपको अपडेट दिया था, तो देखिए ये लेटेस्ट अपडेट जो है आपको तुरंत मेरे ट्विटर हैंडल पर मिलते ही रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा ट्विटर हैंडल @RYadav8177। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।